भागलपुर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है और सड़कों पर बेखौफ अपराधियों का आतंक फैला हुआ है। अपराधियों को पुलिस का जरा भी भय नहीं है और वे खुलेआम संगीन मामलों को अंजाम दे रहे हैं। हत्या जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है जिससे पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला निवासी नीरज कुमार चौधरी के रूप में हुई है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जखबाबा स्थान के समीप बांध किनारे युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सिटी एसपी राज दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि हत्या के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। बता दें कि मृतक के शरीर पर जख्म के निशान हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित करने के लिए डॉग स्क्वाड, एफएसएल और तकनीकी टीम को मौके पर बुलाया। इधर इस हत्या की घटना से पुलिसिया व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है और इस तरह की घटनाएं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सूचना प्राप्त हुआ नाथनगर पुलिस को 8 बजे करीब कि एक नीरज चौधरी जो पासीटोला के रहने वाले हैं उनकी जो है शव बरामद हुआ है और इसको लेकर पुलिस यहाँ पे आई और सबको अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसमें लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ क्या रिपोर्ट आएगा और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और एसडीपीओ सिटी 2 है यहाँ पे और टेक्निकल टीम भी इसमें लगी हुई है। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। कुछ वजह सर पता चल पाई कि हत्या? अभी तो जस्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है तो परिजनों से भी बातचीत की जा रही है। इनकी टीम से जो है दुश्मनी थी, इस संबंध में उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जैसे उनके द्वारा बताया जाएगा और टेक्निकल इनपुट के आधार पर जो है हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कजेली में सरपंच